इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीढ़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। रोको रोको, कौन है ये सब? यहाँ सो रहे हैं क्यों बे? कौन हो तुम लोग? फुटपाथ पे सो रहे हो? चलो उठो। सॉरी भाई, तुम लोगों को नींद में डिस्टर्ब किया। क्या करूं, मुझे भी नींद नहीं आती ना। क्यों पता है? जब तक मैं पैसे वसूल ना कर लूं, मुझे भी नींद नहीं आती। चल निकाल। अगर पैसा होता तो हम लोग लॉज में सोते, सड़क पे थोड़े ही सोते बेटा। तुम्हें लॉज चाहिए क्या बुढ़ाऊ? हैं, किधर गया? डंडा दे जरा, पैसा निकाल। ये चिल्लर पैसों से तुझे लॉज चाहिए? ये लो बेटा। चला। तुझे क्या हुआ बे? तुझे सेपरेट कहना पड़ेगा। पैसा दे। बिना पैसों के यहाँ सोओगे? हे, तुझे क्या हो गया? पैसे निकाल, निकाल। तू भी दे, तेरे पास कितना है? चल दे। मेरे साथ मेरी बेटी आई है, उसे कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती किया, दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है। कैंसर की बीमारी हो गई है? माँ जी, तुम्हारे 10 रुपए बचा लेने से तुम्हारी कैंसर की बीमारी ठीक नहीं होने वाली। ये कैंसर है, एक बार जिसको पकड़ लेती है ना, उसकी मौत ही होती है, समझी? निकल, ध्यान रखना है? चलो रे। सो जाओ। स्टॉप स्टॉप। कितना? 500। ठीक है, चल। स्टॉप स्टॉप। चल चल। वेस्ट फेलो। ओहो। क्यों जान, बहुत दिनों के बाद दिख रही हो। कहाँ गई थी? कोई मोटा आसामी फंसा था क्या? कितना माल कमाया? चलो छोड़ो, मतलब की बात करते हैं। निकालो निकालो, मेरा हिस्सा निकालो। सर। अरे डर रही हो क्या? निकालो। सर, पैसे रोज देने पड़ेंगे तो हमसे नहीं होगा सर। हाँ। हम लोग पेट पालने के लिए अपना शरीर बेचते हैं सर। हम लोग गरीब हैं सर। तुम गरीब हो? मैं भी तो गरीब हूँ ना मैडम, इसीलिए तो वसूली कर रहा हूँ। नहीं तो मैं भी जी नहीं सकता ना, इसीलिए तो रात को वसूली करता हूँ। चलो 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 चलो, निकालो निकालो। लाओ। हाँ? इतना ही कलेक्शन है? हाँ? तुम्हारा क्या है, बड़ी सज धज कर खड़ी हो? पैसे हाथ में ही रखी हो क्या? हाँ? ये कौन है नया आइटम? तेरा नाम क्या है मैडम? सावित्री सर। धंधा करती हो देह का, नाम सावित्री, पतिव्रता स्त्री का, वाह। आप भी तो सम्मान वाला ड्रेस पहने हैं और आप इस तरह का काम करते हैं, आप में और हमें फर्क क्या है सर? मुझसे जबान लड़ाती है? हाँ? मेरी बराबरी कर रही है। हे भगवान। एक और लगाऊं क्या? चुपचाप पैसे दे। ध्यान रखना। जब भी मैं आऊंगा पैसे तैयार रखना, तब धंधा कर पाओगी। जीने के लिए कुछ काम नहीं, इसलिए अपना शरीर बेचकर हम जी रहे हैं और ये हमसे ही छीन रहा है, चोर कहीं का। भगवान करे इसका सत्यानाश हो जाए।
नावपल्ली के सब इंस्पेक्टर का कल रात किसी संदिग्ध आदमी ने हत्या कर दी। इस हत्या के बाद सारी पुलिस डिपार्टमेंट हरकत में आ गई है। लोगों का कहना है कि जनता की सेवा करने वाली यदि पुलिस ही इस शहर में सुरक्षित नहीं है तो भला आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट नकारा है ऐसी न्यूज। ईवी में स्पेशल बुलेटिन बनने से पहले मरे हुए एसआई मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करो। वी आर ऑन दैट मिशन सर। गुड। एनी क्लूज? अभी स्नीफर डॉग्स और क्लूज टीम्स यहाँ आए हैं सर। वेरी गुड, मेक इट फास्ट। यस सर। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बजाना बंद कर, क्यों बजा रहा है? बंद किया तो कौन खरीदेगा सर? चल मैं सब खरीदता हूँ। कितने का? 2000 का। ये ले। इन सब का मैं करूँ क्या? अंकल। हे। ये लो। अंकल मुझे भी। अंकल मुझे भी। थैंक यू अंकल। या। याहू! मैं जीत गया। मैंने ये प्रूफ किया। यस, मैं जीता। मैं जीत गया। Stop it! What is this? तुमने डांस बेबी डांस सोचा है या डी प्रोग्राम सोचा है तुमने? मिस्टर लक्ष्मण, क्या है तेरी ये खुशी? और तुम लोगों ने यहाँ पे क्या ड्रामा लगा रखा है? जिसको देखो सब इसको शेखन पे शेखन दिया जा रहा है। ये चंपू आदमी क्या कोई बहुत बड़ा गोल्ड मेडल लेके आया है, या कोई ऑस्कर जीत के लाया है, या कोई बड़ा कलाकार है? हम लोग क्या इसे शेखन देंगे सर? यही हमारा हाथ पकड़कर हमेशा दबाता है। मैं जीत गया इसलिए तुम लोग जल रहे हो। लक्ष्मण, ऐसा क्या कर दिया तूने? आई एम नॉट लेट टूडे। आज सबसे लेट ऑफिस में ये भारत आया है। ऑफिस में सबसे लेट आने वाला पूरे ऑफिस में झाड़ू मारेगा, सबको चाय पहुंचाएगा। ये इस ऑफिस का पहले से बनाया हुआ नियम है। जो लेट आया उसका नसीब खराब। किधर है झाड़ू? झाड़ू किधर है? ये लो भारत। देख बेटा लक्ष्मण, ये झाड़ू ना तू अपने ही पास रख। क्यों? क्योंकि भरत ऑफिस पहले आया है, ये बात सभी जानते हैं। हाँ, ये ऑफिस के काम से क्लाइंट के पास गया था मिलने, और अभी वहाँ से आ रहा है। लेट हुए हो तुम, इसीलिए टेक द ब्रूम एंड क्लीन द रूम। जल्दी करो। व्हाट? जरा तशरीफ उठाइए। इडियट। पैर उठाए तो मैं झाड़ू लगा दूं। थैंक यू। सर ठीक सर। ए
अरे रे 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 रे, तू सब में वेस्ट है रे, लेकिन टी बनाने में सबसे बेस्ट है। तारीफ कर रहा है, ताने मारा इसकी बाप का। ये क्या मन में बड़बड़ा रहा है? सर कुछ नहीं सर, जब मैं आपका नेम प्लेट देखता हूँ तो मुझे थोड़ा डाउट होता है सर। क्या डाउट होता है? अंबानी फैमिली और आपकी फैमिली में कोई कनेक्शन है क्या सर? कनेक्शन नहीं है, इंस्पिरेशन है। फ्रेम के लिए मैंने ही ये नेम फ्रेम करवाया है। सी मिस्टर लक्ष्मण, मेरा असली नाम है गुच्ची सुधाकर। नाम को बदलने से ओल्ड सिटी में अंडरवेयर कंपनी का डीलर रहने वाला मैं आज हाईटेक सिटी में हार्डवेयर कंपनी का ओनर हो गया। सॉरी सर, अनबिलीवेबल सर, आपका नाम बदलने से आपकी पूरी लाइफ बदल गई सर। यस, मैं ही नहीं बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोगों ने अपना नाम बदला सर, और बहुत फेमस हो गए। फॉर एग्जाम्पल, शिवाजी गायकवाड़, रजनीकांत, शिवशंकर भरत प्रसाद, चिरंजीवी, ऐसे नाम चेंज करके लोग मेगा स्टार हो गए। अरे कहाँ गया? मैं कह रहा था ऐसे ही लोग बड़े हुए हैं। तो फिर मैं अपना नाम भी चेंज करता हूँ सर। सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, अगर आगे बढ़ना है तो पेशेंस, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्रिएशन, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए, समझे? सर ये सब फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स में मिलता है सर? यू स्टूपिड। एक्सक्यूज मी सर। यस मिस्टर भरत, कम इन। सर थैंक यू, वेरी वेल डन मिस्टर भरत। एंड वन मोर थिंग मिस्टर भरत, अपनी कंपनी को एक अच्छा प्रोजेक्ट आया है, सी दिस क्लाइंट लिस्ट एंड डू द नीड। ओके सर, श्योर आई डू। एक और काम करो, इस स्टूपिड को भी ले जाकर काम सिखाओ। अरे जाना यहाँ से। अबे चल बे संकी। लगता है वो आगे है, यहाँ चाय पी लेते हैं। भाई जरा इसे पकड़ तो। भाई ये लो चाय। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी। वाह, कलर बहुत अच्छा है यार। खुजली हो रही है। हाँ, मैं पहुंच गया। खुजली हो रही है। तेरी कोई बहन नहीं है क्या? चप्पल से मारूंगी। खुजली हो रही है। खुजली, क्यों रे? कुछ ज्यादा खुजली है तुझे? ये ले, ये ले, ये ले, मर गया। अरे क्या हुआ? वड़ा पाव, समोसा पाव, मेन्दू वड़ा, जलेबी, काला जामुन, लाल जामुन, पीला जामुन, सादा जामुन, मसाला डोसा, सादा डोसा, इडली सांभर, छाछ। ए जाफरानी माफरानी, इधर से जा, उधर से जा, ईस्ट वेस्ट साउथ इंडस्ट्री। अभी हम किधर है भाई? तू ऐसे गलत काम करता है ना, इसलिए बॉस तुझे डांटते हैं। अब चल। मेरा सर घूम रहा, और ये पता नहीं क्या बोल के जा रहा है। ये कृष्णा नगर वाला रोड है ना? हाँ, ये तो कृष्णा नगर का ही रोड है भाई। एम्बुलेंस, जरा साइड ले, साइड ले, साइड जाओ भाई। हाँ जाने दो, जाने दो। हाँ, राइट, राइट। उधर उधर उधर। वो लोग एम्बुलेंस को आगे निकलने ही नहीं दे रहे। जाने दो, जाने दो, हम लोग देखते हैं इन लोगों को। एम्बुलेंस फोन करिए, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे भाई एम्बुलेंस को जाने दो। सुन, कल सुबह मैंने ये डब्बा यहाँ पर रखा था, पहला नंबर मेरा है। तू कुछ ज्यादा ही कर रही है। क्या रे, मैं ज्यादा कर रही है? अरे कल क्या, मैं तो परसों से रखी थी, अपना बाल भी मैंने उखाड़ के लगाया है, देख। देखा नहीं क्या तूने अंधी? बाल बांधा है तो पानी कहाँ से आएगा बता? तीन डब्बे मैंने लाइन में लगाए हैं, पहले मैं पानी भरूंगी, बाद में तू। लाइन से रख या ना रख, पहले तो मैं ही लूंगी, समझी? अरे तू क्यों लेगी? अरे तुम लोग बोल क्यों रहे हो? आई पानी भरने वाली। अरे जा जा, नाटक नहीं चाहिए, चल चल। अरे मेरी मुझे नहीं करी, छोड़ मेरा भाई। साइड साइड साइड। अरे कौन है ना कमीना? अच्छा बात है भाई, एक नंबर। अच्छा मजा चखा है ना? ए
वहाँ बीएमसी का इतना बड़ा डिब्बा रखा है तो फिर इस तरह रोड पर कचरा क्यों फेंक रही हो? सिर्फ मैं ही नहीं फेंकती, बहुत सारे लोग फेंकते हैं। देखिए मैडम, एक बात याद रखिए, कॉलोनी को क्लीन रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। ओके सर, सॉरी। अबे तेरी तो रुक। अबे क्या कर रहा है यहाँ, क्या लिखा है पढ़ना? यहाँ पेशाब करना मना है। तो तू क्या कर रहा है? जोर से लगी थी, रोक नहीं सका। रोक नहीं सका मतलब? रोक नहीं सका तो कहीं पे भी कर देगा क्या? सॉरी सर। पब्लिक टॉयलेट यूज करना सीखो जरा। ठीक है ठीक है, चल जा। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर। क्या भाई, पेशाब करने वाले को पेशाब करवा रहा है क्या? अरे जरा सी भी अकल नहीं है। दिखने में तो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग लगते हैं, सिविल सेंस नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना। कूल भाई, चल बैठ। अबे तेरी, तू भी वैसा ही है, तू भी नहीं सुधरेगा। तुझे इतना समझा रहा हूँ, मैं खुद ही पागल हूँ। अब चल। अरे घर तो यही लगता है। ए श्रीनिवास राव, हाउस नंबर 1-1-143। यही है। अरे भाई, ये लवर्स कैंडे जैसा लग रहा है भाई। ए, चुपचाप रहे और चल। अब भाई बाजू में रिलेटिव्स रहते हैं, उनसे मिल करके आता हूँ, ठीक है? समझ गया, वुमेन्स कॉलेज जा रहा है ना। ए, सही बोला। अरे तुझे सब कुछ पता कैसे चल जाता है? जा, नहीं सुधरेगा। ए जावे। सर, एक्सक्यूज मी, कोई है क्या? श्रीनिवास राव जी, श्रीनिवास राव जी। हाँ ना। कंप्यूटर कंप्लेंट किया था इसलिए आया हूँ। अंदर रूम में रखा है कंप्यूटर, जाके चेक करो, जाओ। स्वाहा। ओके सर। स्वाहा। लगता है पूजा में है। ओके डन। ओ शिट। मैं वो कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए आया था। जी वो पापा। ए, 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 ओ, पापा, आ, आ, पापा यहाँ। पापा क्या हुआ, बोलो बोलो। मेरे रूम में देखिए कौन आया है। हा? कौन आया है मेरे रूम में, ये क्या कर रहा था? सर, अरे इसे मैंने ही भेजा था बेटी, कंप्यूटर में प्रॉब्लम थी इसलिए भेजा था। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ओके हो गई ना? पैसा ओके सर। ओके, पैसे कितने हुए? जितना सोच नहीं सकते उतना। अरे बाप रे, उतना उतना मैं नहीं दे सकता हूँ। फिलहाल तुम 500 रुपए ले जाओ। ये लो। क्या खूबसूरती। अरे क्या, लो ना 500 रुपए। इसे 500 रुपए नहीं चाहिए? वाह बच गए। इसमें तो फुल बॉटल आ जाएगी, मस्ती से पीऊंगा। अरे अरे अरे, वाह 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 वाह। ए, भूत की फिल्म मैं देखता हूँ फिर भी मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया। तू ऐसा कहे को कर रहा है भाई? ए भरत। अरे अरे अरे, अरे वो लड़की नहीं, पिलो है पिलो। ए, ये तेरे लिए पिलो हो सकता है लेकिन मेरे लिए तो एक लड़की है, मेरा दिल चुराने वाली एक लड़की, बहुत प्यारी। आई लव यू सो मच। कल तक तो अपरिचित फिल्म के जैसा हीरो विक्रम की तरह चुपचाप मंत्र पढ़ते रहने वाला आज सडनली किसिंग स्टार इमरान हाशमी कैसे हो गया रे भरत? ये सब उस लड़की का जादू है यार, कंफर्म हो गया, शी इज माय सोलमेट। हर वक्त बस उसे ही देखने का मन करता है। यस, बॉस को भी तुझे देखने का मन हो रहा है, 3 दिनों से उसका फोन आ रहा है लेकिन तू फोन ही नहीं उठाता है। वो फोन करता है तो तकिए में घुसा रहता है। ए, पकड़ ले, चलो चलो।
आराम से बैठो। हाँ हाँ तो बच्चों, फिर जानते हो आगे क्या हुआ? उस रानी को उठाने के लिए एक बड़ा सा राक्षस आया था। कौन आया था? बड़ा राक्षस। क्यों रे, फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजा तो तूने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? तू कौन है जो तुझे एक्सेप्ट करूंगी? ओहो, तुझे मुझे अपना परिचय देना पड़ेगा। अभी लो, एक किस करूंगा, ऑटोमेटिक परिचय हो जाएगा। यू स्टुपिड। ए चल, छोड़ मुझे। तुम सुप्रजा को लेके क्यों जा रहे हो? वो आइटम भी मस्त है भाई, ले चले क्या? मुझे छोड़ो। अगर बॉक्स सिगरेट से भरा हो तो क्या एक साथ ही पी जाएगा? एक एक करके ही पिएगा ना, वैसे ही अगला नंबर उसका होगा। चल। हेलो पुलिस स्टेशन। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे। ओहो, तो तुम हो अकीराम नायडू? क्यों भाई, तुम अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझते हो? तुम्हारे डर से मैं यहाँ आया हूँ सोच रहे हो? ए, क्यों बे, टेंडर मत भरो, ऐसी वार्निंग दी थी तूने मुझे। मैं क्या तुझे लल्लू पंजू आदमी दिख रहा हूँ? टेंडर तो मैं भरूंगा ही, तेरे जैसे बच्चे लोगों को मैंने बहुत देखे हैं। टेंडर भरूंगा यही कहने के लिए आया था। अरे भाई भाई, माफ कर दो, गलती हो गई माफ कर दो। ये हुई ना समझदारी की बात, ठीक है? गलती हो गई, मैं डर गया। ए, वो क्या देख रहा है, झुलाओ भाई को। माफ कर दो भाई। मैं क्या हूँ, तेरी समझ में अच्छी तरह से आ गया ना? समझ में आ गया भाई। रुकवाने के लिए बोल रुकवाने के लिए। रोको क्या कर रहे हो तुम लोग? रोको, नायडू रोकने के लिए बोलो इन लोगों को। रुको, सही है, गलत बात है। रोको अरे रोको रे, रोको भगवान के लिए रोको। मुझे वार्निंग देने आया था, मर गया साला। भाई CI का फोन है। बोलो CI। सर, आपका बेटा स्कूल टीचर को उठा के ले गया है, स्कूल वालों ने कंप्लेन किया है, उसे छोड़ने के लिए कहो सर, प्लीज सर। ठीक है, उसे आते ही छोड़ने के लिए कह दूंगा। hey, इस बॉडी को क्रशर में जाकर डाल दो। ठीक है भाई। आज तो सब सेट हो गया मामला। और नहीं तो क्या। ए सॉरी, वो विजिलेंस ऑफिसर अपने कंपनी में रेड मार रहा है, जाकर देख उसे। ठीक है भाई। Oh,
ना। ओके। अरे भाई अंदर कैसे जाएं? लड़की बाहर आई तो ही ठीक रहेगा। ए, मुझ में इतना एक्साइटमेंट नहीं है तो तुझमें क्यों है? उसे देखने के लिए एक्साइट हो रहा हूँ भाई। अंकल आ रहे हैं। ये वाला अच्छा है ना भाई? यहाँ पे यहाँ किस लिए आए हो? नमस्ते सर, आप ठीक है ना? इतना शर्मा क्यों रहा है? उस दिन पैसे नहीं लिए तो क्या आज लेने आए? ये भाई उस दिन पैसे नहीं दिए तो मैं आज नहीं देने वाला हूँ। नहीं नहीं वो बात नहीं है सर। वो बात नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, फुल टू बॉटल में खत्म हो गए वो तो। सर पैसे का क्या है सर, हमें तो बस रेस्पेक्ट चाहिए, हमारी ऐसी आदत है सर। अच्छा ये कौन है भाई, 90 ml से ज्यादा और क्वार्टर से कुछ कम दिख रहा है ये। ये मेरे दोस्त लक्ष्मण है सर। अरे वाह नाम तो जबरदस्त है यार, हैप्पी टू मीट यू मिस्टर लक्ष्मण। सर ये देख सब्जी तो ले आया लेकिन मैं दारू लाना भूल गया, इधर आना। अरे इस तरह नहीं, यहाँ से पास वाइन शॉप है, वहाँ जाना और एक हाफ जल्दी से लेके आ जाना। ये लो जाओ जल्दी लाओ। अरे लक्ष्मण कस्टमर्स भगवान जैसे होते हैं, वो जो कहते हैं वो करना अपना फर्ज होता है, समझा करना। क्या जबरदस्त बात कही है, तू एकदम टाइम पर आया है। अंदर गुड़िया ठीक से नहीं चल रही है, चल जरा चल के उसे रिपेयर तो कर दे। हाफ लाता हूँ इसकी बाप का। बेटी स्वतंत्रा जरा बाहर तो आ, मैं सब्जी ले आया हूँ। ये देख कल से ये टीवी बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इसका दिमाग खराब हो गया। ये देख बूंदा बांदी हो रही है, देख देख देख। ओ इतनी देर से टीवी के बारे में बात कर रहे थे? मतलब तुझे कंप्यूटर के अलावा कुछ और रिपेयर करना नहीं आता है क्या? वो तो हमारा लक्ष्मण करता है सर। हा? मतलब लक्ष्मण ऑलराउंडर है, शाबाश। बेटा आ जा और सब्जी ले जा। पापा चाय। हैं? पापा चाय ले लीजिए। ये टी पीने का टाइम नहीं, ये तो कोल्ड टी पीने का टाइम है। ये चाय तो इसे ही दे दे। ए, पीले पीले। थैंक्स जी। पापा आप शराब कुछ ज्यादा ही पीने लगे हैं, मम्मी के आने से पहले सुधर जाइए। सुन बेटा एक काम करना, मुझे जोर से भूख लगी तो अगर तू हाफ बॉयल ऑमलेट लिया तो अच्छा रहेगा, जरा गर्मा गर्म बना के लिया ना। मैं नहीं बनाऊंगी। मैं नहीं बनाऊंगी। अरे व्हाट अ ब्यूटीफुल एंट्री, क्या सीन है, एक के मारू क्या? छोड़ो। ये आपकी बेटी भी ना? थैंक्स बेटा थैंक्स। बैठो बैठो। सर आपका मटेरियल रेडी? अलाउ बेटी देखने की तो आफत आ जाएगी। बैठो बैठो, तुम यहाँ बैठो, मैं यहाँ बैठता हूँ, इसे छुपा दूँ। भाई क्या सुपर है यार, मैं तो देखता ही रह गया। मुंह बंद कर अपना। ए तो एक आध दो पैक के लिए कंपनी दोगे? अरे सर हम लोगों को दारू की आदत नहीं है। वो भी तो क्या, मैं तुम्हें क्यों पिलाऊं भला? तुम लोगों का चेहरा साफ साफ बता रहा, तुम एक काम करो तुम चाय से कंपनी दो और तुम पानी पी के कंपनी दे दो, क्यों कैसी रही? सर मुझे इसकी आदत है। अच्छा तो फिर एक काम कर, हाँ सर इसे सूंघ ले और पानी पी ले, मैं जरा जाके जल्दी से अंदर से गिलास लेके आता हूँ। वो तब तो हाथ मत लगाना, अबे कंट्रोल करना। एक दूंगा बस। वाह क्या मस्त खुशबू आ रही है, ये लो तुम पानी पियो और तुम चाय पियो और अब चीयर्स करो, चलो चीयर्स। चीयर्स क्यों सर? तुम नहीं जानते क्या, ये तो सदियों पुराना रिवाज है कि दारू पीने से पहले चीयर्स किया जाता है, क्यों है ना? हम तो पी नहीं रहे, हम क्यों चीयर्स करें? अच्छा नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, एक काम करो वो टीवी देख रहे हो ना उसमें बूंदाबांदी हो रही है, जरा उसे ठीक कर दो। मैंने सुना तुम अच्छा रिपेयर करते हो। इधर बेटा तुम दो पैक पीते हो ना, दो पैक उधर डाल दो, एकदम क्लियर हो जाएगा। जोक्स बंद कर और जाकर टीवी को देख। हाँ ये दिया एक सुपर। अरे वाह तुम तो सुपर मैकेनिक हो यार, सुपर, एक झटके में ठीक कर दिया। इस खुशी में तुम जीप निकालो, मैं दो बूंद टपका देता हूँ। नो सर नो सर नो सर, मैंने एक घूंट भी पिया तो गोल गोल घूम करके नीचे गिर जाऊंगा सर, आप भी करके खुश हो जाइए सर। वैसे देख ही रहा है मैं तो पूरी बोतल खत्म करने के बाद भी एक जगह टिका रहता हूँ, हिलता नहीं हूँ क्या? ब्रेकिंग न्यूज़, दिन में एक स्कूल से लेडी टीचर को किडनैप किया गया, वो गुंडे टीचर को कहाँ ले गए हैं इसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। ये घटना उस समय की है जब बच्चे स्कूल में थे, किडनैपर को पुलिस ढूंढ रही है, उन्हें लगता है कि ये किसी अनजान, ऐसा बोल रहे हैं कि अनजान लोगों ने उसे उठाया और पुलिस उसे ढूंढ भी रही है। उस टीचर को आकिराम नायडू के बेटे और उनके चेलों ने मिलकर उठाया और मेरी बेटी पहले ही कंप्लेंट कर चुकी है लेकिन कोई उस पर ध्यान ही नहीं देता। अरे क्या जमाना आ गया देखो। वो क्या बहुत बड़ी तोप है क्या? अरे तोप वोप क्या बोल रहे हो यार,
चोरी, डकैती, मर्डर, रेप और नकली नोटों की छपाई करता है, इलीगल धंधे चलते हैं और बहुत सारा गलत काम करता है। पुलिस से लेकर राज्य के सारे मंत्री उसके हाथों बिके हुए हैं। वो जैसा कहता है वैसा होता है। आज तक तो कोई भी उसके बीच में नहीं गया। अरे वो बहुत खतरनाक आदमी है। पापा, पागल लोगों के साथ मीटिंग क्यों कर रहे हैं? उन लोगों को जल्दी भेजो या मैं आऊं। हाँ हाँ, जा रहे हैं जा रहे हैं। वैसे मेरा नाम भरत है। आया बड़ा, जब मेरी बेटी नहीं रहेगी ना तब आना। आपकी बेटी नहीं रहेगी तो हम क्यों आएंगे? तुम कुछ बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं सर, हम ये कह रहे थे कि आप नहीं रहेंगे तब आएंगे। चल चल मिलते हैं, बाय बाय। चल भाई चल भाई चल भाई, आराम से पीछे मत देख, निकल ले। क्यों भाई मिस्टर भरत, तीन दिन से ऑफिस में आ ही नहीं रहे हो तुम, मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हो तुम। मुझे लगा था कि सब पता है तुम्हें। सॉरी सर। तेरी कोई जात नहीं है, कोई सरनेम नहीं है, मर्दानगी नहीं है, कोई फैमिली भी नहीं है। अरे क्यों इतना परेशान हो रहे हो? तुम अपनी फैमिली में मेंबर बढ़ाने की सोच रहे हो ना? बैठो बैठो। अरे बैठो बैठो। देखो भरत, इस कवर में मेरी बेटी का फोटो है, तुम्हारे लिए परफेक्ट जोड़ी है। अगर ये कवर नहीं लिया तो ये यहाँ से मुझे भगा देगा, अब तो रखना ही पड़ेगा। ये भाई डल क्यों लग रहा है? बॉस ने कुछ बोला क्या? ये ले। ये क्या है? क्या हुआ? अबे ये लड़की के है ना, कोंडा है, कौन है ये? हमारे बॉस की बेटी है, मुझसे कह रहा है इसे शादी कर। हाँ? ड्रीम सॉन्ग भी डालने के लिए बोला है। अबे इसके साथ अगर ड्रीम सॉन्ग डाला तो तेरी लाइफ का डम डम डिगा डिगा हो जाएगा। ये ले अपनी सुंदरी को। अभी कोई फायदा नहीं। हाँ? आज मेरे लव मैटर को प्रूफ करना ही होगा। Excuse me. सर आपको ही लगता है इसके कान काम नहीं कर रहे हैं। मेरा कान काम कर रहा है, क्या चाहिए तुमको? सर वो ताला लगा है वहाँ पर। तुम्हारी आंखें काम नहीं कर रही हैं। ऐसी बात नहीं है सर, मेरी आंखें काम कर रही हैं। ये ब्राउन कलर का कुर्ता और गॉगल लगाया है ना आपने, ये सब दिख रहा है ना तुमको? हाँ। इधर एक और चीज है, वो दिखाई नहीं दी क्या तुमको? और एक, वो क्या है सर? एक बार ऊपर देखो। हाँ। साइड में देखो। हाँ। क्या लिखा है उधर? देखने कितनी अच्छी पेंटिंग है। ये भी ना। ओ ओ, क्या बात है? ए, अरे ये तो स्वतंत्रा जैसी लग रही है। ए, है? मैं एक मिनट में आता हूँ, यहीं रहना। हाँ, ओके ओके, बाय 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 बाय। स्वतंत्रा, व्हाट? सॉरी सॉरी सॉरी, स्टूपिड। ओह शिट। ए, दर दर रर आय हाय, दर रर रर दर रर रर द द न न न। सर सर, आपको हाँ बोलिए। सर यहाँ से सब चले गए हैं, लेकिन आप सिंसियरली इस पेंटिंग को देख रहे हैं, क्या वाकई आपको ये पेंटिंग पसंद आई? ये पेंटिंग मैंने बनाई है सर। वो क्या है कि हवा कब इधर से गुजरेगी और ये सारे पत्ते उड़ जाएंगे, इसी का इंतजार कर रहा हूँ मैं। स्टूपिड फेलो। गुड पेंटिंग, गुड, नाइस नाइस है ना?
क्या? मैं यही वेट कर रही हूँ, और कितना टाइम लगेगा? अरे बाप रे! अरे उठो उठो, कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे बाप, संभल कर, रोड क्रॉस करवा दे बेटा। ये लो लाठी। ए, उतर नीचे। आंखों से दिखता नहीं है क्या? उतर नीचे। तेरी तो। क्यों बे, अब दर्द हो रहा है ना तुझे? ये ले, आंखें हैं इसलिए इतना घमंड हो रहा है तुझे। You're great, भरत। चल जाग मुसाफिर, भोर भई अब रहन कहाँ जो सोवत है। चल जाग मुसाफिर, भोर भई अब रहन कहाँ जो सोवत है। क्या हुआ तुझे? एक लड़की ने मुझे बुरी तरह से पीटा। हाँ भाई। एक मिनट भी टाइम वेस्ट मत करो, जाओ पता करो कौन है, कहाँ रहता है। ठीक है भाई। ए बटला, चलना यार, बॉस कब से चिल्ला रहा है, तेरे लिए ही वेट कर रहा हूं, अब जल्दी आ। ए मुंह बंद कर और जल्दी आ। ए स्वतंत्र, ए स्वतंत्र, फोन नंबर। स्वतंत्र, दिल कचरे में खो गया रे। अरे मिला, ए इसका जिंदगी में कुछ नहीं होगा। मौका मिलेगा तो हम बता दे। दोबारा ऐसी हरकत की ना, काट दूंगी इसे। अपने पास ही रखो, अपने पास ही रखो, अपने पास ही निकल ले बेटा, नहीं तो पता नहीं कितने अंदर डालेगी। यस, अंदर जाके ढूंढता हूँ। ये क्या है रे? रूम में इतनी गंदगी क्यों फैला रहा है भाई? क्या हो गया तुझे? हे भरत, हे भगवान, अबे कहीं पेंटिंग का पत्ता तो नहीं उड़ गया? अबे बोल ना, उसी का है ना? अबे बोल ना। हे भरत, भी नहीं है।
अबे तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ यार, उस दिन आंटी ने कचरा फेंका तो तूने उसे कैसे सुना दिया था, और आज तू इतना सारा कचरा लेकर के आ गया। चुप ना, कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे। अबे क्या ये, अबे यार इसमें, अबे कुछ तो बोल दे यार। यस, हे गॉट इट यार, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। यस, हे भारत, अरे 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 अरे, अबे पर्दा क्यों बंद कर रहा है? तेरी नियत ठीक है कि नहीं बे? अबे तेरे हाथ जोड़ता हूँ। हे भरत, हे भरत, तेरा इरादा ठीक है ना बे? अबे सुन, ए मुंह बंद कर, ये मेरा लव है यार। अबे ये होल क्या है बे? नहीं मतलब इसमें छेद क्यों किया यार? वही समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा वो ये क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 छेद है, मतलब 7 नंबर यार। हाँ हाँ नंबर है, मतलब फोन नंबर लग रहा है। लगता तो है यार। 7 2 5 2 2 5 1 4 3 भरत ये नंबर किसका है यार? कुछ नहीं का मतलब जीरो लगता है। जैसे जीरो, हाँ 7 2 5 2 2 5 1 4 3 0। पक्का जीरो है ना? हाँ जीरो ही है। हाँ यस यस गॉट इट। आजा 7 2 5 2 2 5 1 4 3 0। लग जा लग जा लग जा लग जा लग जा। हाँ रिंग हो रही है। हेलो, जी मैं भरत बोल रहा हूँ। ओह मैं स्वतंत्रा। नाइस टू टॉक टू यू। मी टू, मेरा नंबर पता चल गया तुम्हें, ग्रेट। थैंक यू। और आप बोलिए। आप भी बोल सकती है ना? मैं जो बोलना चाहती हूँ वो मेरे फोन नंबर में है, खुद ही ढूंढ लो। बाय। हेलो हेलो हेलो, फोन नंबर में ही है ये, क्या हो सकता है? क्या यार इतने टेंशन में क्यों है भाई? इस फोन नंबर में ही सारा मैटर है बोल रही है। फोन नंबर में मैटर? हाँ एक बार वो नंबर जरा नंबर देख तो। नंबर देख, नंबर देख। 7 2 5 2 2 5 1 4 3। रुक रुक रुक, जरा फिर से बोल, फिर से बोल। 1 4 3 0 3। हाँ हाँ मतलब आई लव यू। हाँ मतलब उसने आई लव यू बोला यार। हाँ? तुमने कहा था कि मुझे एक दोगी। एक क्या दूंगी? वो एक, वो क्या? ओके ये अरे ये नहीं है वो। अच्छा ओके ओके, मैं एक गेम खेलती हूँ, अगर तुम उसमें जीत गए तो फिर मैं तुम्हें वो दूंगी। ओके ओके ए कम 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 इधर
कम इस साइड hey. इधर तो ये तो वापस शुरू हो गया। ए भरत। मैं सीआई बात कर रहा हूँ सर। सब कलेक्टर नरेंद्र का मर्डर हो गया है सर। खूनी यहाँ पर घंटी छोड़ के गया है सर। ओके सर। वेरी बैड इन योर पार्ट, इसीलिए मैंने मिस्टर रविकांत को बुलाया है। ओके हाँ सो हेलो मिस्टर रविकांत, आपका ही वेट कर रहा था, बैठिए। थैंक यू सर। इस केस को अगर कोई हैंडल कर सकता है तो सिर्फ आप। थैंक यू सर। इसीलिए एक बार इस केस की फाइल को स्टडी कर लीजिए। ऑलरेडी इस केस को मैंने स्टडी कर लिया है सर। इस मिस्ट्री मर्डर का सबूत मैं बहुत जल्द लाऊंगा सर। गुड। नंबर वन पुलिस ऑफिसर, नंबर टू राउडी सिटर, नंबर थ्री सब कलेक्टर, ये तीनों मर्डर ही एक ही किलर ने किया है ऐसा मेरा मानना है सर।
वो जब भी कोई मर्डर करता है अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए उस जगह पे एक घंटी छोड़ाता है सर। घंटी? यू मीन द बेल? यस सर। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। नाउ मिस्टर अशोक, आज से आप मिस्टर रविकांत को असिस्ट करेंगे। ओके सर। ओके, नाउ यू कैन गो। ओके सर, थैंक यू सर। यस, यू आर वेलकम। ईश्वर, ये है मेरी लव स्टोरी। क्या ईश्वर, भरत की लव स्टोरी सुन के शौक हो गया क्या? अबे वो सब बाजू में रख यार, एक मार ले और खुश हो जा। आराम से मार भाई, कहीं उसने सुन लिया तो। और तरी तो लगता है ये दारू के अड्डे पे पैदा हुई थी, दारू की बोतल खुलते ही भौंकना चालू कर देती है। लगता है इधर ही आ रही है। कौन है बे? अबे हमारे घर के मालिक की बेटी है। अगर वो यहाँ आ गई और उसने ये बोतल देख लिया ना, तो एक बूंद नहीं मिलेगा हम लोगों को। मैं मैनेज करके आता हूँ, तुम यहीं बैठो। ठीक है। ए, अरे कहाँ जा रही हो? क्या यार, मुझे छोड़कर पी जा रही हो? रुको रुको रुको, मेरी बात सुनो। अरे लासिया, तुम्हें छोड़कर हम लोग कैसे पी सकते हैं लासिया? वो क्या है ना लासिया, बचपन में जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पड़ोस में देसी दारू बनती थी, उसी माहौल में रहा हूँ ना तो मेरे शरीर से वैसे ही बदबू आती रहती है, कुछ है नहीं समझो। देख बेटा लक्ष्मी, तुझे क्या मैं बेवकूफ नजर आती हूँ? जो भी बोलना है थोड़ा दूर से बोलो तो अच्छा लगेगा। मेरे बस एक टच ने ही तुझे पागल बना दिया। ए लक्ष्मी, एक हफ्ते के अंदर तू मेरे साथ नहीं आया ना तो मैं तुझे उठाकर ले जाऊंगी। अरे जो बोलना है सीधी खड़े होके बोलो, इस तरीके से लिपट लिपट के क्यों बोल रही हो? मैं तुझे एक हफ्ते का टाइम दे रही हूँ। चल छोड़, मैं तेरे लिए एक अच्छा सा ऑमलेट बना कर लाती हूँ। आई लव यू डार्लिंग, मेरी रिब्बी, मेरा सिब्बी, मेरे पैरों का पायल। क्यों रे, क्या कह रही थी तेरी लवर? प्लीज यार। एक हफ्ते का टाइम दिया है मुझे। इसलिए क्यों? एक हफ्ते बाद मुझे लेकर के भाग जाएगी। इसका तो वैरायटी वाला लवर है। क्या यार, क्या बातें कर रहे हो? अरे स्वीटी, तू आ गई। अरे वाह, मैं तुझे बहुत पसंद हूँ क्या? आमलेट लाइए लगता है। अरे ईश्वर, तेरी माँ और बहन कैसी है? अरे क्या हुआ? ईश्वर क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रहा? बोलना। मेरी बहन मर गई है। हाँ? मेरी माँ मुर्दों जैसी जिंदगी जी रही है। सेलफोन के छोटे से कैमरे ने हाँ? क्या बोल रहा है? मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी यार। ये कैसे हुआ? ईश्वर, ईश्वर, मेरे ऊपर के फ्लोर में रहने वाले एक लड़के ने अपने सेलफोन को बांध कर मेरी बहन जब बाथरूम में नहा रही थी तब उसको शूट कर लिया। अरे भाई लोग, एकदम हॉट वीडियो भेज रहा हूँ, देख के एंजॉय करो। उसने वो वीडियो कॉलेज में सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दिया। ए भाई लोग, आइटम मस्त दिखती है। अरे देख रहे भाई लोग, क्या मस्त जवानी है, जी चाहता है मसल दूं। कसम से जानू, एक बार साथ में घूम लो, बहुत मजा आएगा। हाँ घूम ले। अरे इसके आगे पीछे पूरे शरीर में 26 छोटे बड़े तिल है भाई, देखना। उसे नहीं भाई, एक लड़की को अपनी जान से ज्यादा उसकी इज्जत प्यारी होती है और ये बात मेरी बहन ने साबित कर दी। उसने अपनी जान दे दी। क्या किया, क्यों किया? ईश्वर, ईश्वर जल्दी आओ। ईश्वर, वो दिन देख कर मेरी माँ कोमा में चली गई। ईश्वर, और आज तक कोमा में है। ईश्वर कूल यार, कूल यार, ईश्वर कूल 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 कूल। मैं भी जीना नहीं चाहता। ईश्वर ईश्वर मेरी बात सुन। ईश्वर ईश्वर, छे ये समाज भी कैसा है, जितनी नई टेक्नोलॉजी आती है उतना ही लोगों को नीचे गिराती है। जिस टेक्नोलॉजी से डेवलपमेंट होनी चाहिए उसी से लोगों को नुकसान हो रहा है। मैं तो बहुत खुश होता था कि मेरे हाथ में मोबाइल है, ऐसा लगता था कि दुनिया मेरी मुट्ठी में है, लेकिन इससे समाज इतना नीचे गिरा है ये मुझे अब पता चला। टेक्नोलॉजी का फायदा है तो नुकसान भी है। डेवलप की गई थी टेक्नोलॉजी अच्छे के लिए, लेकिन उसका मिसयूज हो रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पॉर्न वेबसाइट तो समाज को जैसे बर्बाद कर रही है, और उसका उदाहरण मेरी बहन है। और ऐसा अन्याय किसी और के साथ ना हो इसलिए हमें ही कुछ करना है, हमें ही फाइट करनी होगी। यू आर राइट ईश्वर, हम कहीं भी जाते हैं तो तीसरी आंख हमें फॉलो करती है।
जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जब बाजार में औरतें सब्जी लेने के लिए झुकती हैं, शॉपिंग मॉल में ट्रायल रूम से लेकर खुद के घर के बाथरूम तक ये तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है। हाँ भरत, कॉलेज के लेक्चरर का चौक पीस अगर नीचे गिर गया तो भी प्रॉब्लम, लेडी स्वीपर अगर झुककर झाड़ू लगाए तो प्रॉब्लम, इतना ही नहीं फोन में बात करने का नाटक करके फोटोज निकालते हैं और उन फोटोज को वेबसाइट पे डालते हैं एडिट करके। हाँ यार, जब से सेलफोन में कैमरा आया है ना, लड़कियों का गलती से अगर ब्रा भी दिख जाए ना तो तुरंत सेलफोन से खींच करके उसे नेट में डाल देते हैं। ऐसी चीजों को कंट्रोल करने के लिए समाज को तैयार करना होगा, एक एक का एनकाउंटर कर देना चाहिए। निर्भया के कांड के बाद देश में इतना बवाल हुआ, फिर भी रेप रुका क्या? इसे रोकने के लिए हमें कुछ करना ही होगा। यस, इसके लिए हमें ही कुछ करना होगा। यस, वी हैव टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। बदलाव हम ही से शुरू होना चाहिए और हम ही को बदलाव लाना होगा। लोगों को जीने के लिए ही हम लोग जिएंगे, उसके लिए मैं तैयार हूँ। तुम लोग सब तैयार हो? हाँ, हम सब तैयार हैं। अब आगे क्या करना है हमें? मुझे एक आइडिया आया है, हम लोग एक फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। फाउंडेशन? हाँ हाँ, लोगों की जागरूकता के लिए हम ये काम करेंगे, ठीक है ना? हाँ। लेकिन हम अपने फाउंडेशन का नाम क्या रखेंगे? क्या नाम देंगे? नाम रखेंगे? हाँ भरत, एक आइडिया आया, हम सब के सब उसमें आ जाएंगे, सबके नाम का बस फर्स्ट लेटर ले लेते हैं। फर्स्ट लेटर? क्या हम सब अपने नामों के फर्स्ट लेटर से फॉर्म करेंगे? यस, बी फॉर भरत, ई फॉर ईश्वर, एल फॉर लक्ष्मण, एल फॉर लासिया, एस फॉर स्वतंत्रा, बेल्स। बेल्स। यस यस। भरत, क्या हुआ, तुझे पसंद नहीं आया? अरे यार, ये बेल बजा करके हम समाज को जगाएंगे। ठीक है, ओके। Yes! Stop. जरा zoom करना। फुटेज इतना है कि और भी है? सर, जितनी भी फुटेज थी सब दिखा दी सर। ओ, क्या यार, किसी भी कैमरे में फेस नजर नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, जहाँ मर्डर हुआ वहाँ चलते हैं, वहीं कुछ सबूत मिलेगा। ओके सर। वो लिफ्ट के बाजू में वॉल है ना, उसमें शेडो दिख रहा है, शेडो पे जूम करो और स्टॉप, एक बार उसे ध्यान से देखो। उसने मास्क पहन रखा है सर। नो प्रॉब्लम, उसकी आंखें साफ दिख रही हैं। ये पिक्चर देख के स्केच बनाओ। ओके सर। हे भरत, तुम काटो ना। चल रे बिट काट, चल। नहीं नहीं, तू काट। अरे तुम काटो यार, सब एक ही बात है, तेरी वजह से तो हुआ है, तुम काटो। ओके। मिस्टर अशोक, स्केच रेडी है? रेडी है सर। ये उसी का इमेज है सर। कैसा? अपने पास जो क्रिमिनल्स का डाटाबेस है उससे स्केच मैच होता है क्या? देखो जरा। ओके सर। कम ऑन, डू इट फास्ट। यस सर। ये कौन हो सकता है? इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीड़ी, दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर?
धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। त्रिकोटी एक और चाय। अभी तक 90 पी चुके हैं। इतनी चाय पीने के बाद भी अपने एसीपी साहब को क्लियरिटी नहीं आई। अरे त्रिकोटी है? ये 90 नहीं है, उन्हें 90 दे दो, मामला क्लियर हो जाएगा। सही है, सही है। सर आपके पास जो क्रिमिनल का इमेज है वो हमारे किसी भी रिकॉर्ड से मैच नहीं करता। ये स्केच अपने पास जो रिकॉर्ड है उससे मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कोई नया अपराधी है। इसको जल्दी से अपने कब्जे में करते हैं और इसकी हरकतों पे फुल स्टॉप लगाते हैं। सर वन स्मॉल सजेशन। बोलो शिवा। इस इमेजिनेटिव स्केच को प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भेज देते हैं तो वो हमें बहुत जल्द मिल सकता है सर। वेरी गुड शिवा, वेरी गुड। ये स्केच इमेजिनेशन से बनाया गया ये बताने के लिए थैंक्स। देखो शिवा, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये एक काल्पनिक चित्र है। इस शक्ल का व्यक्ति है भी या नहीं हम दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन इसको पकड़े बिना हम आगे की कार्यवाही भी नहीं कर सकते। इसलिए वो जहाँ कहीं भी हो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। इस स्केच को आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सभी डिपार्टमेंट को भेजो। मोर ओवर बैंक और पासपोर्ट ऑफिस में भेजना मत भूलना। इस स्केच से जो भी मेल खाता हो उन सब का डिटेल्स ले आओ, अपने तरीके से हैंडल कर लेंगे। ए, कुछ बोलना। सो एवरीथिंग इज ओके, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? बाहर से खूब सारी भीड़ जुटाकर एलबी स्टेडियम में निजाम कॉलेज के ग्राउंड में बड़ी सी सभा रखेंगे जिसमें हम अपनी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। निजाम कॉलेज ग्राउंड, एलबी स्टेडियम, ओके है ना? पर शायद छोटा पड़ेगा। अमिताभ बच्चन आते हैं तो पूरा शहर उस ग्राउंड में आ जाता है। ये सब क्या है यार, मुझे अपने विचार को एक्सप्रेस करने का अधिकार नहीं है क्या? बहुत ज्यादा कर रही है ये, इसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर ये ऐसा करेगी तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। बेल्स में से एल गायब। एल निकल गया तो क्या होगा पता है ना? गुड बाय। जा बे जा, एक एल गया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तेरे पास जरा भी काम वाला दिमाग नहीं है, जा बे। किधर जा रहा है? आकर बैठ लासिया, वो बकबक करता रहता है, उसे लाइटली लिया कर। ए, बस, बस। लक्ष्मी कहाँ जा रहा है? आना। आ, आ। बोला ना नहीं आना है। आना। नहीं आऊंगा। ऐसे कहोगी तो एल फिर से छोड़ दूंगा। अरे भरत, हमारा अगला प्लान क्या है ये फिक्स करते हैं। द बेल संस्था को लोगों के बीच लेकर जाना है। पब्लिक के बीच ले जाने से पहले अपनी संस्था को हमें पब्लिसाइज करना होगा। लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ानी होगी। बेल्स का क्या मतलब है, ये नाम क्यों रखा गया है, किस लिए रखा गया है, वो इंटरेस्ट लोगों के मन में जगाना होगा। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं उन विषयों को इंडिया में हर स्टेट्स में हर घर तक पहुंचाना होगा। मतलब घर घर घूमकर हमें सर्वे करना होगा। कुछ कुछ ऐसा ही समझो। लेकिन देश के हर राज्य में हर घर में हम लोग एक साथ तो नहीं जा सकते, इसलिए हमारे पायलट प्रोजेक्ट के लिए हम वारंगल चले। आप सभी को नमस्कार। एक अच्छी सोच लेकर द बेल्स फाउंडेशन की स्थापना करने वाले भरत और उनके सारे फ्रेंड्स का मैं अभिनंदन करता हूँ। द बेल्स फाउंडेशन का पहला कदम यहाँ से शुरू होता है। ये कदम गांव शहर के हर घर तक पहुंचकर आगे बढ़ते हुए और समाज सेवा का कार्य करते हुए तरक्की करे, ऐसा मैं इन लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। और आगे इस संस्था को अगर किसी तरह का कोई भी सपोर्ट चाहिए तो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। इसी खुशी के साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। बचपन से ही मैं लोगों का दिल जीत ले ऐसा खुद का लिखा हुआ गीत गा गा कर छोटे बच्चों से लेकर समाज के हर वर्ग को पसंद आने वाली, अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्धि पाने वाली वो गायिका जो हर दिल अजीज हैं, उनका नाम है कुमारी मधुप्रिया। द बेल्स फाउंडेशन के उत्थान के लिए सहयोग देने के लिए वो भी इस संस्था से जुड़ी हुई हैं। बोल बे, क्यों तूने इतने मर्डर किए हैं? बोल ना, बोल। ऐसे घूर क्या रहा? क्यों मुझे मारेगा क्या?
ए, तू ऐसे नहीं बताएगा हाँ? बोल मुँह, बोल, 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 मुँह खोलेगा कि नहीं खोलेगा, बोल, अरे कहाँ ना बोल, ऐसे नहीं मानेगा तू, जब तक तेरी मैं, सर 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 क्या कर रहे हैं सर क्या कर रहे हैं, मुँह खुलवा रहा है इसे और क्या कर रहा है, इसने क्या किया इसको, सर सर छोड़िए इसको, कब से बोल रहा हूँ इसको मैं, और देख क्या कर रहा हूँ मैं, ये देख इसकी जेब में देख क्या है, ये देख ये घंटी है, ये घंटी हर जगह मार मार कर ये घंटी छोड़कर आता है वहाँ पर सर, और हमें चैलेंज करता है, ये खूनी है, इसका इंटरोगेशन करना ही पड़ेगा। ये खूनी कैसे हो सकता है सर, ये तो हमारे डिपार्टमेंट का है, कांस्टेबल श्री सेलम है सर। क्या कहा, ये हमारे डिपार्टमेंट का कांस्टेबल श्री सेलम है? हाँ सर, अकीर अब नायडू के बेटे के हाथों इज्जत लूटने के बाद इसकी बहन ने आत्महत्या कर ली सर। सभी जगह गया लेकिन इसे कहीं भी न्याय नहीं मिला सर। सच में? यहाँ तक कि अपने डिपार्टमेंट ने भी इसे सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से ये पागल हो गया सर। अरे चलो भाई तुम चलो, चलो आराम से चल। आपके लिए लेकर आए हैं कुछ सनसनी न्यूज। समाज में गंदी सोच रखने वालों को और सोए हुए लोगों को बेल्स से जगाने के लिए बेल्स फाउंडेशन जैसी एक संस्था स्थापित हुई है। फाउंडेशन अब तक 50,000 लोगों को मेंबर्स बना चुका है। मिली जानकारी के अनुसार हमने आंकड़ा आपको बता दिया है। ये फाउंडेशन भविष्य में आगे होने वाले सारे कार्यक्रमों के बारे में आपको जानकारी देंगे। उसके लिए हमारे स्टूडियो में आए हुए बेल्स फाउंडेशन के फाउंडर मिस्टर भरत जी। भरत जी, आपके सक्सेस का सीक्रेट क्या है? हमारे देश में ये देखो, जिस खूनी को हम ढूंढ रहे हो तो वैसा ही है। किया जा चुका है, लोगों के विचारों में और सोच में परिवर्तन लाना है, इससे उनका मार्ग बदल सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। जिसका समाज बहिष्कार करता है उस पर ही हमारा मेन फोकस है, इसलिए हमें यूथ और स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ेगी। बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम उन लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं जो टेक्नोलॉजी का मिसयूज करते हैं, हम उन्हें रोकना चाहते हैं। ऐसे लोगों को रोकने के लिए ही हम आए हैं। किसी भी लड़के के साथ कुछ बुरा ना हो, इसी उद्देश्य को लेकर ये संस्था स्थापित हुई है। इतनी जल्दी हम पब्लिक से कनेक्ट हो जाएंगे ये मैंने सोचा नहीं था। हम जिन प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं वो पब्लिक हर रोज फेस कर रही है, इसलिए पब्लिक की अगर कोई भी समस्या हो तो वो हमें बताइए, हमारी संस्था उन्हें जरूर मदद करेगी। यही है हमारा सक्सेस सीक्रेट। भरत जी, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? इन फ्यूचर वी हैव प्लानिंग टू लॉन्च अ बेल्स ऐप। हम हमारे संस्था के ब्रांचेस सारे स्टेट्स में खोल रहे हैं। थैंक यू भरत जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। स्टेट वाइड तो कोई ब्रांच नहीं खोलेगा बे, हम लोग तुझे इस सेंट्रल जेल में स्पेशल ब्रांच खोल कर देंगे। ऐप लॉन्च करूंगा बोल रहा है, ऐप एक बार उसे अंदर कर लिया ना तो। हे, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, अपने जैसा सैलरी लेने वाला पब्लिक सर्वेंट नहीं है, बल्कि ये तो लोगों के लिए मेहनत करने वाला है, सोशल वर्कर। आप तो खूनी को गांधी बना रहे हैं सर। वो हत्याएं इसी ने की है, इसका कोई अभी सबूत नहीं है। वैसे भी इतना दया रखने वाला आदमी मर्डर करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे तो पक्का यकीन है कि सारा मर्डर यही किया है सर। समाज के लिए कुछ करने की सोच रखने वाला लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में नहीं लेता है सर, रॉन्ग साइड में जाने वालों को जगह पर ही मार डालते हैं। ये भी वैसा ही होगा सर। तुम जो कह रहे हो वो भी सही है। फिर आप लेट क्यों हो रहे हैं सर, आप जाइए और एनकाउंटर कर दीजिए। हे कूल कूल, सौ दोषी भाग गए तो भी चल जाएगा, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। पहले इसके बारे में सारी डिटेल्स निकालो। ठीक है सर। अपने सीआई अशोक को बेल्स फाउंडेशन में ज्वाइन होने को कहो। ओके सर। हाय फ्रेंड्स, हमारी फाउंडेशन पर पब्लिक का विश्वास बढ़ता ही जा रहा है, एंड नेक्स्ट थिंग हमने तैयार किया हुआ बेल्स ऐप किस तरह का होना चाहिए, पब्लिक उसे कैसे यूज करेगी, इसकी सलाह और मशवरा ईश्वर देंगे। हम लोग मिलकर जो भी काम कर रहे हैं उसे पसंद करके हमें एनकरेज करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज से NRIs द्वारा 11 लाख का फंड हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। हमारे अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट होता है और कितना अमाउंट डेबिट होता है ये पब्लिक को पता चले, इस उद्देश्य से हर महीने में अपने अकाउंट की बैलेंस शीट एंड फाउंडेशन एक्टिविटीज दोनों को हम अपने वेबसाइट में रखेंगे। लेट्स बी ट्रांसपेरेंट। ओके ओके। सॉरी फ्रेंड्स, ईश्वर विल कंटिन्यू द प्रोग्राम। ओके। भरत, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? आराम से आराम से। वो बेल का साउंड बंद करवाओ। कूल कूल भरत। पहले बंद करवाओ। जल्दी बंद करवाओ। ओके।
ये बेल कौन बजा रहा है? बंद करो इसे। कौन है आप लोग? बेल क्यों बजा रहे हैं? आप लोग जो कर रहे हैं उस समाज सेवा से मंत्रमुग्ध होकर साक्षात ये घंटानंद स्वामी आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। हमें भरत से मिलना है। अंदर चलिए स्वामी जी। मनोवांछित फल सिद्धि रस्तु, कल्याण प्राप्ति रस्तु। आइए स्वामी जी। भरत, आर यू ऑल राइट? ओके। भरत, ये घंटानंद स्वामी जी हैं। ये तुमसे मिलने आए हैं। बम बम बटारी चम चम जटारी, अपने से बड़े लोग जब सामने आते हैं तो उन्हें बैठने के लिए कहना हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति है बच्चा। बैठिए स्वामी जी। स्वतंत्रा, टू कॉफी। ओके। आप बोलिए। हम लोगों के बारे में तुम्हें पता ही होगा। नहीं पता है। शॉर्ट एंड स्वीटली तीन टुकड़ों में बताइए। हम लोगों ने जो सांस छोड़ी वो भूतकाल, हम लोग जो कर रहे हैं वो वर्तमान काल, हम जो देखते हैं वो भविष्य काल। पूरी दुनिया को अपने हाथों से चला सकता हूं मैं, इतनी शक्ति है मेरे अंदर। अरे तुम कॉफी लेकर आए? स्वतंत्रा नहीं आई? वो बिजी है सर। कोई बात नहीं, ये मेरी टीम का है। आप बोलिए। इस राज्य के हर एक जिले में, हर अनुमंडल में, हर गांव में एक स्वामी जी हैं। मतलब पूरे राज्य में लगभग हजारों स्वामी जी हैं। एक एक स्वामी जी को दस दस चेले हैं, मतलब 10,000 चेले। हाँ, समझ गया। वो सब आपके शिष्य हैं और उन सबको आप सैलरी देकर पाल रहे हैं। उन सब लोगों को दान में आया हुआ पैसा, चंदे के रूप में आया हुआ पैसा हवाले के जरिए देश के बाहर फॉरेन बैंक्स में आप जमा करते हैं। Am I right? देखने में तो बहुत छोटे हो, लेकिन बात करने में ऐसा लग रहा है कि दुनिया का बहुत अनुभव है। मैंने जो सोचा था उससे कहीं बढ़कर सोचा है तुमने। ठीक है, विषय वस्तु का पता चल ही गया है तो सीधा काम की बात पर आते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। आप जो कहना चाह रहे हो मुझे पता है। आप सारे स्वामियों ने जो धंधा लगाया हुआ है उसकी हालत मेरी वजह से कुछ दिनों से खराब चल रही है, और इस धंधे में बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। मछली पकड़ने के लिए अगर कांटा डाला जाए तो उस कांटे में छोटे के साथ बड़ा भी फंस जाता है। इसी डर से तुम मेरे पास आए हो ना? नहीं, सावधान करने आया हूँ। आने वाली अष्टमी से पहले अपनी दुकान अगर तुमने बंद नहीं की तो दुर्गा माता के चरणों में तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगा। ठीक है, अब जाकर अपना काम करो। बम बम बटारी चम चम चटारी। पुजारी सामने आए तो हाथ जोड़ते हैं, भगवान सामने आए तो पैर छूते हैं, राक्षस सामने आया तो बाजू में हट जाते हैं, और तू साक्षात राक्षस से टकरा रहा है, मारा जाएगा। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद स्वामी। बम बम बटारी चम चम जटारी। भरत, अब क्या हुआ? तुम ठीक हो? भरत, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो ना भाई? I'm all right, it's okay. तुम ठीक हो? It's okay. भरत, भरत, हेलो सर। वो स्वामी जी यहाँ बहुत ही भड़क कर बात कर रहे थे, लेकिन भरत ने उसे सीरियसली नहीं लिया। उसने बहुत ही कूल रहकर बात की, लेकिन जैसे ही बेल की साउंड उसने सुनी तो वो बहुत ही रिएक्ट करने लगा, और मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगी सर। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, यू कैरी ऑन। आप कैसे हो? ए स्वतंत्रा, तुम यहाँ कैसे? कैसे हो? आई एम फाइन। कहाँ जा रहे हो? सरदर्द हो रहा है, टैबलेट लेकर आ रहा हूँ मेडिकल शॉप से। तुम रिलैक्स करो, मैं जाके ले आती हूँ। नहीं ठीक है, मैं चला जाऊंगा, तुम बैठो।
साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे, साढ़े नाल रहोगे तो। आज मेरा जन्मदिन है और तू ये थकेला गाना क्यों गा रहा है? भाई आपके लिए चिंतामणि को बुलाया है ना। कौन है तू? मेरे एरिया में कैसे आ गया? तू है बम बम बटारी, चम चम जटारी तुझे कैसे जाल में फंसाऊं? मेरे फंदे में तुझे लाने की सोच ही रहा था, लेकिन बिना मेहनत किए ही मेरी जाल में आकर तू तो खुद ही फंस गया बच्चा। ए, तुझे मैं तेरी औकात बताने के लिए आया हूँ।
तेरे भविष्य को वर्तमान काल में खत्म करने के लिए आया हूँ। एक शेर के सामने आकर तू मौत की बात कह रहा है, तेरी औकात क्या है? यहाँ मेरा साम्राज्य चलता है, मेरा साम्राज्य। लाशों के ढेर पर यह साम्राज्य बनाया है मैंने, आज तुझे भी मैं यही गाड़ दूंगा। ये क्या है, क्या है ये? चिल्ला मत, वरना एक सेकंड में खून की उल्टी करके मर जाएगा। तेरे शरीर में मैंने जहर भर दिया। अब तो तेरी जान सिर्फ ये गोलियां बचाएंगी। ये दे दे, दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे, दे, जल्दी दे, जल्दी दे, 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 मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे दे दे, ये गोलियां मुझे दे दे, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, दे 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 दे, दे दे मुझे दे दे, मुझे दे दे बेटा, दे दे। दूंगा तो मुझे क्या देगा? क्या चाहिए, क्या चाहिए तुझे, तुझे क्या चाहिए, बोल बोल, मैं दूंगा। तेरी जान चाहिए मुझे, बोल देगा? अरे अरे बेटा, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे ये गोलियां दे दे, दे दे बेटा, कुछ और मांग ले, तुझे जितनी दौलत चाहिए मैं दे दूंगा, पर ये गोलियां दे दे बेटा। देगा जो चाहिए वो देगा। तेरा फॉरेन बैंक अकाउंट में जितना भी काला धन है ना, वो सब वेल्स फाउंडेशन में ट्रांसफर कर, जल्दी कर। ठीक है, ठीक है, करता हूँ। कर दिया, कर दिया बेटा, वो गोलियां दे दे, दे दे बेटा, मेरी जान बचा ले, दे दे। रुक बे, मुझे बचा ले, मैं मर जाऊंगा बेटा, मुझे गोलियां दे दे, मुझे बचा ले बेटा, मुझे बचा ले, मैंने तेरा काम कर दिया, मुझे गोलियां दे दे, दे दे बेटा, दे दे, मेरी जान बचा ले बेटा, देना है, देना बेटा, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ बेटा, मुझे गोलियां दे दे, मुझे मरने मत दे बेटा, मेरी जान बचा ले। टैबलेट खा लिया ना? खा लिया बेटा, खा लिया, अब मैं बच जाऊंगा ना। यही ओरिजिनल पॉइजन था, 5 मिनट में तेरी जान हवा में उड़ जाएगी, देखना। सर्वे सुचिना सुखिनो भवन्तु। तेलंगा प्रदेश में कामगारों की 43% तनख्वाह बढ़ा दी गई है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, इससे सभी लोग बहुत ही खुश हैं। एक और मुख्य समाचार, स्वामी घंटानंद जी अपने गेस्ट हाउस में मरे हुए पाए गए हैं। सूत्रों से पता चला है कि मरने से पहले स्वामी जी ने बहुत दारू पी थी। पुलिस का मानना है कि स्वामी जी को जहर दिया गया है। इस घटना में भी हत्यारा हत्या करने के बाद वहां घंटी छोड़कर गया है। 20 सालों से की हुई मेरी मेहनत एक साथ सुनामी जैसे बह गई। एक सड़क के आदमी को मैंने स्वामी बना के तैयार किया, राज्य में स्वामियों का व्यापार शुरू किया। एक एक ईंट जोड़ के ये व्यापार, ये साम्राज्य की नींव रखी स्वामी उसका पिलर था। उसे मार कर मेरे छाती पर लात मारा है उसने। कौन है वो, कौन है वो मेरा दुश्मन, कौन है वो मेरा दुश्मन? भरत, भरत, हाँ? हमारी संस्था को पैसों की जरूरत है, उसके लिए तुमने हत्या कर दी। ये क्या कह रही हो स्वतंत्रा? उस स्वामी जी को तुमने ही मारा है ना? What? Are you joking? No, भरत, सीरियसली पूछ रही हूँ, साफ साफ जवाब दो, उस स्वामी जी को तुमने ही मारा है ना? मच्छर को मारना पसंद नहीं है, इसलिए रूम में मॉस्किटो कॉइल भी नहीं रखता मैं। ऐसा इंसान एक आदमी को क्यों मारेगा? तुम भी ना। तुम ऐसी बातें करके खुद को सेंसिटिव फेलो जैसा दिखाने की बिल्कुल कोशिश मत करो। तुम बिल्कुल सेंसिटिव नहीं हो, तुम अंदर से कुछ अलग ही हो जो तुम बताना नहीं चाहते। तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो जो तुम दिखाना चाहते हो। उस स्वामी जी को तुमने ही मारा है, नो डाउट। ए, ये बार बार घंटा स्वामी का नाम क्यों ले रही हो तुम? वो तो एक नंबर का चोर है, झूठी बातें बोलकर लोगों को लूटने वाला लुटेरा है। देखो स्वतंत्रा, बिना मतलब की बातें सुनकर माइंड को खराब मत करो, हमें और बहुत सारे काम करने हैं। भरत नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? हे स्वतंत्रा, एक्सीलेंट गाइस, यू ऑल हैव डन वेरी गुड जॉब। एप्लीकेशन को बहुत ही अच्छे से डेवलप किया है, एंड ईश्वर, इस एप्लीकेशन को जल्द ही लॉन्च करना है, ओके ना? श्योर।
ना। अंकल बोल। ये क्या भरत लेफ्ट हैंड से कैच पकड़ रहा है? वो तो राइट हैंडर है ना? समथिंग इज देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए यहाँ पर आए मीडिया वाले सारे दोस्तों को हमारे बिल्स फाउंडेशन मेंबर्स का नमस्कार। समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए और महिलाओं को सुरक्षा देने के उद्देश्य से ही माय हाई सिक्योरिटी एप्लीकेशन तैयार किया है। माय एप्लीकेशन के यूजेस एंड फीचर्स के बारे में हमारे एप्लीकेशन को तैयार करने वाले मिस्टर ईश्वर आपको बताएंगे। थैंक यू भरत, थैंक यू सो मच। इससे पहले पब्लिक को सिक्योरिटी देने के उद्देश्य से ऐसे बहुत सारे एप्स निकाले गए थे, बट आवर बेल्स एप्लीकेशन क्वाइट डिफरेंट, यूनिक एंड एडवांस्ड। फ्रॉम हियर माय एसोसिएट जय विल एक्सप्लेन यू इट्स यूजेस, फीचर्स एंड इट्स बेनिफिट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू ईश्वर। यू आर वेलकम। ये यूजर्स फ्रेंडली ऐप है। ये ऐप इंटरनेट फैसिलिटी से लेके बेसिक मोबाइल फोन से लेके स्मार्टफोन तक सभी यूज कर सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है ये हम देखेंगे। अगर कोई मुश्किल में फंस जाता है, अपने मोबाइल से *999 हैज नंबर को डायल किया तो बस, इस मोबाइल से ऑटोमेटिकली पुलिस, एम्बुलेंस, फायर, शी टीम, इन सभी को हर एक किलोमीटर में रहने वाले बेल्स नंबर से बेल्स मेन सर्वर से अलर्ट भेजते हैं, और इस अलर्ट के माध्यम से ही जो भी प्रॉब्लम में है उसको बचाने के लिए एक टीम जल्दी से जल्दी उस तक पहुंच जाती है। सिर्फ यही नहीं, इस ऐप को कोई भी फ्री में ऐप जोन से डाउनलोड करके उसे यूज कर सकता है। टेक हिम टू कस्टडी। ठीक है सर। भरत, तुम्हें अरेस्ट करने के लिए हमारे ACP साहब आए हैं। ये क्या है? इतने दिनों से इसे बेल्स का मेंबर सोचा था, ये तो पुलिस वाला निकला। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आजकल चल रहे सीरियल मर्डर केस में भरत को सस्पेक्ट के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए हम इन्हें कस्टडी में ले रहे हैं। कम ऑन मिस्टर भरत। ये तो नाइंसाफी है। भरत को आप कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? बिना सबूत और गवाह के आप भरत को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? भरत को आप यहाँ से कैसे ले जाते हैं ये हम भी देखते हैं। अगर आप लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। ये मार वार से हम लोग नहीं डरते हैं सर। रुक जाइए, सिर्फ इन लोगों को मुझ पर शक है इसलिए मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। ये शक और इल्जाम जो मुझ पर लगा है उसे मैं दूर करने जा रहा हूँ। हम नहीं जाने देंगे। हम नहीं जाने देंगे। प्लीज कंटिन्यू द प्रोग्राम। नहीं भरत, प्लीज हट जाइए। भरत प्लीज हटो। प्लीज सर, आपने किस आधार पर गिरफ्तार किया है सर? कोई प्रूफ है आपके पास? बिना प्रूफ के किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता। प्लीज हट जाइए। सर बताइए ना सर, सर प्लीज प्लीज सर, उसको रोशनी डालिए सर। प्लीज आप लोग हटिए। बिना सबूत हम किसी को भी गिरफ्तार नहीं करते। चलिए जाने दीजिए। अगला समाचार। देश में बाघों की संख्या बढ़ रही है, इससे जानवरों से प्यार करने वाले लोगों में खुशी की लहर है। अब हम आपको आज की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज सुनाएंगे। द बेल्स फाउंडेशन के संस्थापक भरत को सीरियल मर्डर केस में शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। इस समाचार से पूरे राज्य में खलबली मच गई है। लोग सड़कों पर आ चुके हैं। पापा, पापा, यही है वो जिसने मुझे बीच रोड में मारा था, यही है वो पापा। पुलिस भरत से पूछताछ कर रही है। इधर लोगों के आक्रोश से पुलिस हैरान है। आप जितने भी सवाल पूछेंगे मेरा सिर्फ एक ही जवाब है, इस सीरियल मर्डर केस में मेरा कोई हाथ नहीं है। ए, वो मर्डर्स तुमने ही किया, ये प्रूफ है मेरे पास। मेरे पास भी प्रूफ है, मैंने कुछ नहीं किया। उस स्वामी जी के अलावा ना मैं किसी से मिला और ना ही किसी को जानता हूँ। पर्टिकुलर जब मर्डर हुआ उस समय मैं कहाँ था, कौन सा काम कर रहा था, इसकी आप इंक्वायरी कर लीजिए। मैं हत्यारा हूँ या नहीं ये आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सर। उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखा तो ये मर्डर्स उसने नहीं किया ऐसा लग रहा है। जो गलत करता है वो इतने दावे के साथ नहीं कह सकता। कुर्सी पर आराम से बिठा कर पूछोगे तो कुछ बताएगा क्या? पॉइंट ब्लॉक में गन रखकर डराओगे तो सब सच सच बताएगा। सर यस। रियल एस्टेट के बिजनेसमैन सुधाकर रेड्डी का आधे घंटे पहले मर्डर हो गया सर। व्हाट? इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहाँ भी बेल मिला है सर। माय गॉड, व्हाट? आधा घंटा पहले हुआ? क्या हुआ? वो तो एक घंटे से तुम्हारी कस्टडी में है कह रहे थे,
अभी अभी खबर मिली है तब बेल्स फाउंडेशन के संस्थापक भरत को एरिया में हो रहे सीरियल मर्डर केस में शक के आधार पर आज सुबह पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इसके लिए होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगते हुए लोग और विपक्ष के नेताओं ने ऐसी मांग की है कि भरत को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। बीजेपी को फोन लगा कर दो। होम मिनिस्टर का फोन भी आ गया। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है डीजीपी साहब, सरकार आपको सैलरी क्यों देती है? जो लोगों को सताता है उनको पकड़ने के लिए, जो बचाता है उनको नहीं। एक अच्छे उद्देश्य को लेकर समाज को कुछ नया दे पाए ऐसी कोशिश कर रहा है वो। हमारे देश को ऐसे ही नौजवानों की जरूरत है। बिना वजह के आपने उसे क्यों अरेस्ट किया है? आपके इस काम से चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है डीजीपी साहब। इससे पहले कि ये बड़ा इशू बन जाए, भरत को जल्द से जल्द रिलीज कीजिए और अपने साथ साथ हमारी भी इज्जत बचाइए। सॉरी सर, भरत को तुरंत रिलीज कीजिए। ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू। जाओ जाकर उसे छोड़ दो। वेरी वेल सर, थैंक यू सर। मिस्टर भरत, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। सर एक बात याद रखना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, मैं लोगों की मदद करना नहीं छोड़ूंगा और ना ही मुझे कोई रोक सकता है। देखता हूँ मेरे हाथों से कितने दिनों तक बचेगा तू। कहा माने इन्हें सारा चाह, तुम इन्हें जान लो। नाम पंगाई से लेना काम, इनका सजा देना बेखौफ, इनकी सेना इनका क्या कहना, बात इनकी मान लो। मायूस चेहरे पे ये तो हंसी लाए, हारे हुए को जीत ना सिखाए, बेबसों को संभाल ले। चाहिए शांति तो लानी होगी क्रांति, करो अपने कर्म मिलेगी मंजिल, जीवन के मायने जान ले।
हेलो हरीश। हाँ बोल अकिल। अभी अभी मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे जबरदस्त वीडियो भेजा है। वाह थैंक यू भाई। सुनना मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर किया है, तू भी देखने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अकिल ने वीडियो भेजा है मतलब सब कुछ अच्छा ही होगा, मैं देख कर सबको शेयर करता हूँ। हेलो। तुझे वीडियो कैसा लगा भाई? जो वीडियो तूने भेजा वो किसी और का नहीं, मेरी बहन सुनैना का है। क्या कह रहे? सच में मुझे पता नहीं था यार, सॉरी भाई। इतने दिनों से हम लोग कितना गलत काम कर रहे थे, आज मुझे इसका एहसास हुआ। उसका दुख कैसा होता मुझे आज समझ में आया यार। अरे तू रो मत यार, प्लीज यार। नहीं यार, किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने एक फैसला किया यार। भाई ए? भाई मैं मरने जा रहा हूँ यार, मेरी मौत उन लोगों के लिए एक सबक है जो लोग गलत राह पे चलते हैं। एक छोटी सी हेल्प करना यार, इस वीडियो को मीडिया मीडिया वालों को दे देना। अरे यार अलविदा दोस्त। नमस्ते, आप देख रहे हैं जय टीवी और मेरा नाम कविता है। बुलेटिन की शुरुआत। युवक की मौत का वीडियो देखकर लोगों में काफी खलबली मची हुई है। ये वीडियो देखकर नव युवकों को सबक मिल चुका है। बेल्स फाउंडेशन का प्रयास देखकर लोगों में जागरूकता आई है, जिसकी वजह से राज्य के मुख्यमंत्री जी ने रिएक्ट किया है। पॉन साइट्स को हटाने और मिटाने के लिए एक ग्रुप तैयार करना होगा, ऐसा कहना है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि बेल्स फाउंडेशन को इस योजना के तहत कार्य में उनकी मदद और सहयोग वो जरूर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। इतने दिनों के बाद अपना सपना पूरा हुआ है। भरत भरत बंद करो ये, वो बेल का साउंड बंद करवाओ। भरत 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 क्या हुआ? भरत सुनो तो। पानी पूरी समोसा चाट वाला पानी पूरी। अरे कहाँ कहाँ से चले आते, चलो आगे लगता है कोई। अरे ले जाओ इसको। वन सेकंड। Excuse me. Yes. We have an appointment with Dr. Murthy, psychiatrist. Room number 2. Thank you. What's the problem, doctor? No problem. Everything is normal. Okay. आपका नाम क्या है? भरत। पूरा नाम बताओ। सिंघम नेनी भरत। आपको बेल की साउंड से डर लगता है ना? वो साउंड सुनते ही कुछ इरिटेशन होने लगता है, कुछ पता नहीं टेंशन होने लग जाता है। पर ऐसा क्यों, आखिर क्या वजह है इसकी? मेरे बचपन में हुई वो घटना। क्या है वो घटना, हमें साफ साफ बताओ। अगर तुम हमें ये नहीं बताओगे तो तुम्हारे ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम होगी, तो बोलो बताओ क्या है वो घटना। बोलो भरत बोलो। हरे भरे खेतों से भरा हुआ हमारा वो गांव जिसका नाम था अयोध्यापुरम। मिट्टी की, ओ यहाँ की मिट्टी की, दिल को भाई मन को लुभा।
गांव में हमारी 500 बीघा जमीन थी जिसके मालिक थे मेरे पापा और उनका नाम था राम नारायण। उन्होंने अपनी सारी जमीन गांव के गरीबों को खेती करने के लिए दी थी और वो अपने गांव के बच्चों और बड़ों को भी पढ़ाते थे। वो गांव में ज्ञान बांटने वाले एक अच्छे गुरुजी सिद्ध हुए थे। नमस्ते। अरे क्या करिए लक्ष्मी जी, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ सर, मुझे मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई है सर। अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं नहीं पढ़ पाता सर। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, ये तो सब ईश्वर की कृपा है। अच्छे से पढ़ाई करो और अपने गांव की सेवा करो। ठीक है सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। गांव वालों को कोई भी समस्या आती थी तो खुद ही सामने रहकर हल करते थे। जिस तरह भगवान श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया था, उसी तरह हमारे अयोध्यापुरम में मेरे पापा ही सबके लिए भगवान थे। लोगों को कोई खुशी की बात कहनी हो या फिर दुख सुनाना हो तो वो उनसे ही आकर कहते थे। होली का दिन आया, सभी रंगों में डूब जाओ। होली के दिन आया, सभी रंगों में डूब जाओ। होली के दिन रंग लगवाओ, सब रंग लगाओ। होली के दिन रंग लगवाओ, सब रंग लगाओ। गाँव में झूम झूम कर खेलो होली रे होली। गाँव में झूम झूम कर खेलो होली रे होली। होली के दिन रंग लगवाओ, सब रंग लगाओ। चलो चलो खेले गिल्ली डंडा, चलो खेले सब गिल्ली डंडा, पेड़ के नीचे हवा में खेले। चलो खेले सब गिल्ली डंडा, पेड़ के नीचे हवा में खेले। हवा में खेले गिल्ली डंडा, पेड़ के नीचे हवा में खेले। उसी खुशी को नजर लगाने के लिए एक रावण हमारे गांव में आ गया। नमस्ते नायडू जी। नमस्ते सर। आइए सर, जमीन दिखाता हूँ। नायडू जी, आपने जो कहा था वो सिंगल हैंड लैंड 500 बीघा यही है। इसका सर्वे नंबर 25, 26, 27। राम नारायण इस पूरी जमीन का मालिक है सर। अगर आपको पसंद आ जाए तो कल ही जाकर वो राम नारायण जी से बात करके बयाना वयाना उन्हें देकर ये जमीन आपके नाम पर कल ही रजिस्टर करवा लेते हैं, क्या बोलते हैं? बाजू से ही नहर बहती है, पानी भी बहुत अच्छा मिल जाता है नायडू जी। बिल्कुल सही जगह पर लाया ये। जमीन बहुत ही अच्छी है, पार्टी को जैसी चाहिए थी वैसी ही है। ए सूर्या। हाँ भाई। कल एक बार राम नारायण से मिल के आते हैं। ठीक है भाई। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल। चल बे। अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर को रखे सर। मिस्टर राव जी, वो मेरे दादा परदादा की जमीन है, ये हमारे वंश की जमीन है। हमारे गांव के गरीब किसानों को मैंने खुद अपनी इच्छा से फ्री में खेती करने के लिए दे रखी है। अब उसे बेचकर अपना पेट भरने वाले लोगों के पेट पे मैं लात मारूं, ये मैं नहीं कर सकता। उस पर ही निर्भर होकर जीने वाले गरीबों को और गरीबी में जीने पर मजबूर करना, ये मैं नहीं करूंगा। देखिए राम नारायण जी, उन लोगों की देखभाल करना मेरी गारंटी है। यहाँ बनने वाले केमिकल फैक्ट्री में मैं उन्हें काम दिलाऊंगा। केमिकल फैक्ट्री? हाँ जी, पूरे देश का सबसे बड़ा केमिकल फैक्ट्री, 2000 करोड़ का, मार्केट रेट से ज्यादा 5000 में दिलवाऊंगा आपको। इतना ही नहीं, आपको उस कंपनी में 20% शेयर्स भी मैं दिलवाऊंगा। राम नारायण जी, आप लोगों के बारे में सोचने वाले व्यक्ति हो। एक छोटी सी सलाह है, अगर ये केमिकल फैक्ट्री यहाँ पे बनी तो इस गाँव के साथ साथ और भी लोगों को यहाँ पे नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, पूरे गांव का उद्धार भी होगा। अपने लोगों की भलाई के लिए अगर आप जमीन बेचेंगे तो अच्छा होगा, यही मेरा सजेशन है। अगर आपने यहाँ केमिकल फैक्ट्री लगाई तो उससे यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में लाभ नहीं होगा, बल्कि उनके लिए मरण होगा। उस फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं पूरे वातावरण को दूषित करेगा, साथ ही उस फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्टेज ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट करेगा। अब शस्य श्यामलम जैसा ये गांव और इस गांव के साथ अड़ोस पड़ोस के 50 गांव भी शमशान में बदल जाएंगे। राम नारायण, तुम्हें मैं लास्ट एंड फाइनल ऑफर दे रहा हूँ। जाल डालकर फंसने वाली किसी मछली में से मैं नहीं हूँ मिस्टर राव। ये गांव मेरा परिवार है, कृपा करके यहाँ से चली जाइए। ये तेरा फाइनल डिसीजन है? हाँ।
बाबूजी धीरे चलना, प्यार में बड़े। क्या हुआ जी, कौन है ये लोग? तुम चिंता मत करो, मेरे पापा उनके सामने कभी नहीं झुके, इसलिए उन लोगों ने मेरे पापा से दुश्मनी कर ली। और वो दुश्मनी निकालने के लिए उन लोगों ने गांव के पानी में जहर मिला दिया, सारे लोग अचानक से मरने लग गए, और ये सारी हरकतें मेरे पापा कर रहे हैं ऐसा गांव वालों में शक पैदा कर दिया। हमारे गांव को किसी की नजर लग गई है, कितने सारे लोग मर गए हैं, कितने सारे पागल हो गए। सरपंच जी, आप कलेक्टर साहब से बात करके एक बार मेडिकल कैंप का इंतजाम कीजिए। देवी माँ को गुस्सा आ गया है, इसीलिए वो बलि ले रही हैं। हम गांव वाले उनकी पूजा करेंगे तो वो शांत हो जाएंगी। वो बात नहीं है, जानबूझकर कोई ऐसा कर रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है। सरपंच जी, आप जो बोल रहे हैं वो बात बिल्कुल सच है। कल अपने शमशान में शत्रु पूजा का सामान मुझे नजर आया। मैं तो उसे देखते ही वहां से भाग गया। इस विषय में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, क्या बोलते हैं? अरे रे 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 रे, मेरा शक बिल्कुल सही निकला, कोई तो है जो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, इसके पीछे जरूर कोई साजिश है। आज रात को जाकर ही उसे पकड़ लेते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, पकड़ना चाहिए। हाँ, पकड़ना चाहिए। सुनिए जी, क्या हुआ, किस सोच में डूबे हैं? चलिए ना, खाना खा लेते हैं, खाना तैयार है, आइए। मुझे जरा भी भूख नहीं है तुझसे। क्या हुआ, क्या है जी? बिना किसी कारण के हमारे गांव में बहुत सारे लोग मर रहे हैं, मुझे इससे बहुत दुख हो रहा है। दुखी होने से मरे हुए लोग आ जाएंगे वापस, चलिए ना खाना खा लेते हैं। मुझे सच में बिल्कुल भूख नहीं है तुलसी। अच्छा, ये बच्चे का बुखार कम हुआ या नहीं? नहीं जी। हा? तो फिर जाओ और जाकर देखो, जाओ। जी ठीक है। बम बम बटारी, चम चम जटारी, स्वाहा आ वाह यामी, आ हाँ, मिल गया, मिल गया, यही है, देखो। शमशान में पूजा करने वाले तुम हो? क्या कह रहे हो, मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा? गांव में जो भी मरा है उसके जिम्मेदार तुम हो। आपको ये बात कहते हुए शर्म नहीं आती है? बिल्कुल नहीं, कल सुबह होते ही पेड़ के नीचे पंचायत बैठेगी। पंचायत ले चलते हैं। क्या हो रहा है? कल के पंचायत में तुम्हें आना ही पड़ेगा। सुनो सुनो सुनो, सभी सुनो, औरतें बच्चे बूढ़े सभी सुनो, बच्चे बड़े बूढ़े सभी सुनो, ध्यान से सुनो, आज पंचायत बैठने वाली है तो सभी को हाजिर रहना होगा। सुनो सुनो, इन्होंने हमेशा हम गांव वालों की मदद की, ये हमारे बारे में बुरा सोचेंगे हम नहीं मान सकते। ये भैया, रात आप उस शमशान में नहीं थे, ऐसा कहिए ना आप। यही है वो रात को शत्रु पूजा करने वाला, हमारे गांव का नाश करना चाहता है ये। हाँ साहब, उस दिन बाजार से हल्दी, कुमकुम, चावल, नींबू ये सब लेकर आ रहा था। मैंने सोचा त्योहार के लिए पूजा का सामान लेकर आ रहा है, लेकिन ये तो अपने गांव के शमशान में शत्रु पूजा करने के लिए वो सामान लेकर आ रहा था। अरे वाह। और इसी बीच अपने बाजू वाले गांव के तांत्रिक के घर से इसे बाहर निकलते हुए मैंने अपनी आँखों से देखा है। हाँ, ये देखो, जब ये मेरे पास दवा खाने आए थे तब वहाँ ये थैली भूल गए थे। देखो इस थैली में क्या क्या है, आप खुद ही देख लीजिए। देखिए, मंत्रों वाली किताबें और नींबू और कुमकुम,
परसों एक बड़ा आदमी आकर इनसे 1000 बीघा खेत मांगा, लेकिन इनके पास सिर्फ 500 बीघा ही खेत है, और 500 बीघा के लिए गांव के लोगों को मंत्रों से मारकर उन्हें देने का वादा किया है। ऐसे ये मंत्रों का खेल खेल कर गाँव वालों को डरा कर ये हम सब की जमीन हथिया कर उन लोगों को बेचना चाहता है। नीच, हम लोगों के साथ रहकर हम लोगों पर पीछे से वार करता है। सरपंच जी, आप सब लोग ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, अपनी जबान संभाल करके बोलिए, परमात्मा सब देख रहा है। हाँ, पैसों में परमात्मा है ऐसा कहते हैं, लेकिन पैसों के लिए ही उसी परमात्मा को राक्षस में बदल दिया गया है। ऐसे आदमी को गांव में नहीं रहने देना है, नहीं रह सकता। इसे मार कर अपने गांव से बाहर निकाल दो। मारो सब लोग, अरे इनको मत मारो, ये हमारे लिए देवता जैसे। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, नहीं मत मारो, छोड़ो इनको, आपके हाथ जोड़ता हूँ, इनको मत मारो, ये खुद ही चले जाएंगे इस गांव से, मत मारो इनको, हाथ जोड़ता हूँ, इन्होंने कभी हमारे बारे में गलत नहीं सोचा। तो तुम ही बोलो। हाँ बोलो, क्या कर रहा है, बोलो अब क्या किया जाए। नहीं बोलो, मैं क्या बोलूं, इसे गांव छोड़कर जाने के लिए कहो। आप लोग इन्हें कुछ मत कीजिए, मैं बोलता हूँ। हाँ बोलो। हाँ बोला मालिक, आप ये गाँव छोड़ कर चले जाइए, ये लोग आपको जीने नहीं देंगे यहाँ पे, आप जाइए। हमारा प्लान काम कर गया ना, निकल जाना यहाँ से। क्यों राम नारायण, अब भी अपनी जमीन बेचोगे या नहीं? वो मेरे गांव वालों की है और खेती करने के लिए दी है, मर जाऊंगा पर बेचूंगा नहीं। इतना होने के बाद भी तुझे अकल नहीं आई? ये सारा गांव मेरा परिवार है, ये सब मेरे बच्चे हैं, ऐसा ही कहा था ना तूने, क्या हुआ अब वही लोग तुझे और तेरी बीवी को चप्पलों से मार कर निकाल रहे हैं? घर में हुए छोटे मोटे झगड़ों से घर बेचा नहीं जाता है, परिवार में ऐसी धूप छांव तो चलती ही रहती है। आज उन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वो हकीकत जानेंगे और सब बात समझ जाएंगे। मैंने कहा था ना, ये किसी की बात नहीं सुनेगा। अपनी आदमी छोड़ दो, मत मारो, मत मारो, छोड़ दो, मत मारो। चलो उठाओ उसे, उठाओ। मिस्टर एमआर राव, इज्जत से डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दो। इन्होंने कुछ नहीं किया। साइन करो। मरा नहीं अभी तक। उसके बाद से घंटी की आवाज सुनने से कुछ बुरा होने वाला है ऐसा लगता है, किसी ने मुझे घंटे से मारा है ऐसा एहसास होता है। बस इतना ही सर। बेटी डॉक्टर, एक महीने तक ये दवाई देना। ओके। और उसके बाद दिखाने आना, दवा का असर जरूर होगा। थैंक यू डॉक्टर, फिर आते हैं। चलो भरत। स्वतंत्रा, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। ओके। okay?
पानी लेने के बहाने आ जा, पानी लेने के बहाने आ जा, कि तेरा मेरा इक रस्ता, कि तेरा मेरा इक रस्ता संग मेरी ये। तेरी चाल है नागन जैसी। बोलो मूर्ति, कैसा चल रहा है तेरा हॉस्पिटल? बकवास बंद कर और पहले जो मैं बोल रहा हूँ सुन। ए मूर्ति, क्या बक रहा है तू? तो सुनो, अयोध्या पर्व में मरवा सोचकर रामनारायण के बेटे को हमने छोड़ दिया था, वो अभी जिंदा है और वो कोई और नहीं बेल्स फाउंडेशन का भरत है। तुझे कैसे पता चला इसे? वो अभी मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आया था और खुद उसके साथ जो बचपन में हुआ वो बता रहा था कि उसे बेल के साउंड से डर लगता है। वो हमसे बदला जरूर लेगा, इसलिए हमें अब अलर्ट रहना चाहिए। हेलो मूर्ति, हेलो मूर्ति, हेलो स्वतंत्रा। Shall we go? Yeah, sure. क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? Come on. तुम्हारा दिमाग देखती हूँ तो मुझे तुमसे जलन होती है। कितना भी हो राइट हैंडर से ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स का दिमाग तेज होता है, ऐसा सर्वे रिपोर्ट्स में आया है। ये क्या सडनली ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड का टॉपिक किस लिए? वो एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ जी, मैं भरत बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? भरत राइट हैंडर है तो वो भरत जैसा लेफ्ट हैंडर कौन हो सकता है? बहुत कंफ्यूजन है, समथिंग इज देयर। एक बार एसीपी रविकांत से मिलूं तो बेटर होगा। बोलो स्वतंत्रा। सर आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी, भरत के जैसा ही कोई और भी है ऐसा मुझे डाउट है। What? ये तुम कैसे कह सकती हो? एक्चुअली भरत राइट हैंडर है, पर सरप्राइज की बात है वो क्या है कि मैंने भरत के जैसा एक लेफ्ट हैंडर भरत को भी देखा है। लेकिन भरत ने आज तक कभी भी ये नहीं कहा है कि उसका कोई भी छोटा या बड़ा भाई भी है। हेलो, अरे कौन है आप? मुझे फोन करके यहाँ क्यों बुलाया गया है? हेलो, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी बॉस, देखिए सारे लोग मुझे ही खूनी मानते हैं, असल में कौन ये सब खून कर रहा है ये सब आप मुझे बताओगे? लेकिन आप हो कौन बॉस? भरत, मेरे भाई भगत, ऐसी एक भी जगह नहीं बची जहां पे मैंने तुझे ना ढूंढा हो। मैंने सोचा कि उस दिन तू भी मर गया होगा। मैं बुखार से ठीक होने के बाद मंदिर तक पहुंचने से पहले ही उस अकिराम नायडू ने सबको मार दिया था। मुझे अच्छू बाबू अंकल ने यूएस ले जाकर पढ़ाया और तुम जिंदा हो, ये बात मुझे हैदराबाद आने के बाद पता चली। बेल ने तेरी जिंदगी में डर बढ़ाया और मुझ में गुस्सा बढ़ाया, उसी बेल से तू सभी को जगा रहा है और उसी बेल से मैं सारे दुश्मनों का खात्मा कर रहा हूँ। मैंने तुझे फॉलो किया और तेरी जितनी भी मीटिंग्स थी वो सारी की सारी मैंने अटेंड की। हेलो नायडू, अकिराम नायडू, तेरी माँ मेरे पास है, अब दे जिंदा है। पागल जैसी हालत है उसकी, अगर माँ चाहिए तुझे तो अयोध्यापुरम के क्रशर के पास आ जा। हेलो हेलो, अब क्या हुआ भाई? भगत, हमारी माँ जिंदा है, वो अकिराम ने मुझे फोन किया था। सुनो। हाँ पापा। इससे पहले कि वो यहाँ पहुँचे रास्ते में ही उसे मार देना और उसकी लाश को क्रशर मशीन में डाल देना, समझे? ठीक है बाबा।
हे भरत, मेरे चाल में बराबर फंसा रहे तू। माँ को कितना प्यार करता है तू। मदर सेंटिमेंट्स वाली मूवी अभी भी 100 दिनों तक चलती है। कमाल का है ये प्यार। ए, तुझे यहाँ लाने के लिए मैंने झूठ कहा कि तेरी माँ जिंदा है। वो तो उसी दिन मर चुकी थी। तेरा बाप भी समाज को चलाएगा, पूरी दुनिया को चलाएगा। मेरे हाथों से कुत्ते की मौत मरा वो, और आज तू भी कुत्ते की मौत मरेगा। बिल्स फाउंडेशन स्टैब्लिश करके मेरे पूरे धंधे की वाट लगा दी है तूने। आज तू भी अपने बाप के पास मेरे ही हाथों जाएगा, समझा? ए, मार इसे, तोड़ दे। ए, ये चाकू कुल्हाड़ी से नहीं मरने वाला है। इसे कैसे मारना है पता है मुझे। ए, निकालो। तेरी चाल में फंसने वाली कोई चिड़िया नहीं हूं, बल्कि मैं तेरे लिए जाल तैयार करने वाला एक शिकारी हूं। असल में शिकार करना तो मैंने शुरू किया। तेरे सारे लोगों को एक एक करके मारता हुआ मैं भरत नहीं हूं, मैं उसका भाई भगत हूं। भगत हूं मैं। शुरू है जहाँ जहाँ ये है वहाँ वहाँ वीर होंगे, ऐसे कहाँ माने इन्हें सारा जहाँ तुम इन्हें जान लो। पंगाई से लेना काम इनका, सजा देना देखो इनकी सेना, इनका क्या कहना बात इनकी मान लो। हे भगत है ना वो? हाँ? सिर्फ चार हो, कहां से शुरू करो? 15-20 के साथ लड़ने का जो मजा है, वो सिर्फ चार लोगों से लड़ने में मजा नहीं आता है भाई। इसको पहले आगे आना है, आ जाओ भाई। तेरी तो अबे घूम के कंफ्यूज मत करो, कंफ्यूजन में बहुत लोगों को मार देता हूँ।
भगत। आजा आजा। शिक्षा हर कोने में पहुंचे ऐसा तुम इसी वक्त संकल्प आज लो। इस साल का रमन मैगसेसे अवार्ड बेल्स फाउंडेशन को दिया जाता है। जानती हो तुम जब नहीं थी ना तो मैं बिल्कुल अकेला था। तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना मतलब भगवान की बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर। भारत, भारत, भारत,